आप सरकार को बदल दीजिए, निष्कर्ष आपके सामने निकल के आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने हैं ना, जितने सदन के अंदर बैठे हैं, सब पे कहीं ना कहीं महिला छेड़खानी का आरोप लगा हुआ है। सुमित जी, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और तमाम मुद्दों पे अपनी आवाज़ उठाते हैं। जिस प्रकार से जंतर मंतर पे कल से ही पदक वीर पहलवानों ने भी जंतर मंतर पे अपना धरना प्रदर्शन दिया है, कहा है कि कुश्ती फेडरेशन जो है उनके खिलाड़ियों के साथ उनको ध्यान नहीं रखती है और उनके ऊपर देख रेख नहीं करती है, जिस पर इनका गंभीर आरोप है कि ब्रजभूषण जी पर यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी केंद्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो एक तरफ हरियाणा राज्य ही है। आपको पूरी भली भांति याद होगा आप लोगों को सबको, हाँ, कि हरियाणा राज्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुरुआत हुआ था, जहाँ से नारी सशक्तिकरण की बात कही गई थी। हाँ। और उसी हरियाणा की बेटी विनेश फोगाट जी, वो तो चलो एक मामूली बेटी नहीं है, आप अंकिता भंडारी में चुप रहे, आप हाथरस में चुप रहे, आप मध्य प्रदेश में जो हुआ दलित के साथ उसके साथ चुप रहे आप, ये तो दो दो मेडल ले ला चुकी है भारत देश के लिए। और उनके साथ अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए शर्म की बात है। लेकिन आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खिलाड़ियों का बहुत ही आदर सम्मान करते हैं। खिलाड़ियों का आदर सम्मान करते हैं तो मुझे ये बताइए ओलंपिक में भारत की स्थिति क्या रही है? फिर तो सबसे ज़्यादा मेडल आना चाहिए। अच्छा, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक नहीं खोला इन्होंने। हाँ, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं ना, मैं खिलाड़ियों के लिए सारा चीज़ कर रहा हूँ, मैं खेल को बढ़ावा दे रहा हूँ। हाँ। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भारत केंद्र सरकार ने एक भी निकला, और दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने स्पोर्ट्स में तो खोल के दिखा दिया। हाँ। उसी अकेले उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से चार मेडल आए ओलंपिक के अंदर। हाँ। और आप कहते हो मैं खेल का बढ़ावा दे रहा हूँ। मेडल तो आ रहे हैं ना, पहले तो मेडल आते ही नहीं थे, अब तो मेडल फिर भी आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ मेडल पहले नहीं आते थे, पहले इतने नहीं आते थे जितने अब आ रहे हैं। जितने आ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ आप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का तो देखिए कौन सी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं। हाँ। जिसपे ये कह रहे फ्री का जिसपे आरोप लगा रहे हैं, वो आपको एक यूनिवर्सिटी खोल के दे रहा, उस यूनिवर्सिटी से जितने हमारे जो खिलाड़ी हैं वो मेडल ला रहे हैं, और आप कह रहे हो खेल का बढ़ावा दे रहे हैं। हर राज्य दर देख लीजिए, एक हरियाणा को छोड़कर, हरियाणा तो पहले से ही आगे था खेलों में, ये आपको ही पता है, सबको पता है, हैं? आपने जो राज्य निचले स्तर पे था उस राज्य की स्थिति क्या है खेल में, उस पर बात क्यों नहीं जा रही? और आप देख लो ये जो ये क्या, ये देश की नाक है हमारी, ये देश की नाक है, ये ना देश का जो हमारा जो है सिर है ऊँचा किया इन्होंने हमेशा, और इन सबका आरोप है। और ये एक बात, ये बस पहलवानों की नहीं है बात, हर खेल में बात कर लीजिए, बात मैं हर खेल की बात कर रहा हूँ मैं। आप जितने भी हैं, चाहे मैराथन में चाहे चले जाइए, चाहे क्रिकेट में चले जाइए, हॉकी में, हॉकी की पूरी टीम ने बताया था जब वो विदेशी दौरा पे गए थे, महिला टीम ने, पूरी महिला टीम ने ये कहा था जो हमारे प्रबंधक है वो हमारे साथ उत्पीड़न करता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो आप क्या आशा करते हैं कि ये सरकार इस पहलवान जो हमारे मेडल लेकर आई है बेटी, इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करेगी, जाँच बिठाएगी? बस जाँच नाम का होता है, उसका जो रिजल्ट है वो कहाँ है, देश की जनता जानना चाहती है। WFI के चेयरमैन ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि मौजूदा सांसद भी हैं केसरगंज से, लेकिन उन्होंने इन पहलवानों के आरोपों को बेबुनियाद बताया, कहा है कि अगर जांच में मेरी गलती निकलती है तो मुझे फांसी पर टांग दिया जाए। मैं ये कह रहा हूँ तब तक आप सांसद जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि के पद से अपने आप को निष्कासन दे दो और कह दो जब मैं बड़ी हो जाऊंगा तभी मैं सांसद बनूंगा दोबारा, वरना मैं फांसी पे लटक जाऊंगा। उन्हें भरोसा है ना, उन्होंने गलत किया नहीं है इसीलिए तो वो बोल रहे हैं। मैं मानता हूँ, तब अगर उन्हें भरोसा है तो आप ये मानते हो जो देश का मान बढ़ाने वाली जो है बेटी या बहन, वो किसी पे आरोप ऐसे ही लगा देगी? आप खुद सोचिए, जिसने देश का मान बढ़ाया उनका सांसद से क्या तुलना करें हम, और देश की जनता क्या तुलना करेगा एक सांसद से? आप भी समझदार है। नहीं, ये भी तो देखा जाता है कि कई पहलवान जो हैं समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस सरकार का, और दूसरी ओर वो आलोचना भी कर रहे हैं। अच्छा, बजरंग पुनिया ने, हाँ, क्या इन्होंने मेडल नहीं लाया देश के लिए? नहीं, वो तो लाया ना, दुनिया जानती है। साक्षी मलिक ने क्या मेडल नहीं लाई? हाँ, बोलिए। मलिक ने लीड भी करी थी ओलंपिक सेल को। आप कह देंगे, आपका जो मीडिया है वो बताएगी, जो बताएगा वो देश की जनता की आवाज़ है क्या? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, या आप जो बताएगा वो देश की जनता की आवाज़ है? लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, आप बबीता फोगाट जो है अपनी बहन का खुद समर्थन नहीं कर रही हैं। अरे देखिए, बहन बहन की बात है। हाँ। आप आपसी बातों को देश की बातों से क्यों जोड़ना चाह रहे? सारे
जितने हैं यहाँ कुश्ती संघ, सारे आए नहीं आए ये बताओ आप? है कुछ कुश्ती संघों का बताइए, एक घर में पांच परिवार का अगर सदस्य होता है, पांच परिवार के सदस्य में कुछ ना कुछ तो मनमुटाव रहता ही है। इससे मतलब ये नहीं कहते कि उसमें जो परिवार का जो सदस्य सही बोल रहा वो गलत है, है? लेकिन आज देश की मैं आपको पूरी क्लियर कट कर देता हूँ, आप लोगों का जो मीडिया का जो एक जो है तंज है वो है कि जो मोदी जी कह रहे हैं या मोदी जी के जो कार्यकर्ता या सांसद जो मंत्री जो कह रहे हैं वो सही है, और बाकी जो देश की जनता कह रही है वो क्या है, वो गलत है, वो देशद्रोही है। यही है आप लोगों का कहना, जो देश के लिए गोडल मांगे वो देश के ऊपर कैसे आरोप लगा देगा, ये तो आपको सोचने की बात है। अच्छा आपको दिख नहीं रहा है क्या, गुजरात के अंदर बिल्किस मानोवाला का जो केस था उसमें आरोपी को बरी कर दिया, आपका दिल्ली वाला कंझावला वाला कांड नहीं दिखा कौन आरोपी था, आपको हाथरस कांड नहीं दिखा, आपको प्रयागराज वाला कांड नहीं दिखा, आपको झारखंड वाला दिखा नहीं, आपको उत्तराखंड वाला दिखा नहीं कौन लोग विलुप्त है उसमें, उसके बाद भी आप भरोसा कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सांसद पे, तो मुझे तो शर्म आ रही है। तो क्या लगता है जिस प्रकार से कई राज्य विभिन्न राज्यों से ये जो पहलवान आए हुए हैं कुश्ती पहलवान वो इस धरना प्रदर्शन में समर्थन दे रहे हैं, और उनका कहना है कि जो हम अपनी हमारी मांगे हैं वो मांग जो है ब्रजभूषण जी के इस्तीफे से पूरी होंगी, क्या लगता है कि वो ब्रजभूषण जी इस्तीफा दे पाएंगे? बात ब्रजभूषण के इस्तीफे की ही नहीं है। अच्छा बात ब्रजभूषण के इस्तीफे के नहीं है। हाँ बात जो इंस्टीट्यूशन में जो बैठे हुए लोग हैं, हाँ जो मानवता के नाम पर उनको अपमानित करने का काम निरंतर कर रहे हैं, बात उसकी है। हाँ। और मैं तो ये पूछ रहा हूँ महिला आयोग कहाँ है भाई, कहाँ गायब है महिला आयोग? नहीं महिला आयोग ने भी टिप्पणी दी है ना, टिप्पणी देने से हो जाता है क्या? आप 8 साल पहले वाले बयान से किसी एक नेता को है? किसी एक नेता को आप महिला आयोग के उसमें बुला लेते हो, गोपाल इटालिया साहब का देखा तो गुजरात चुनाव में बुला लिया था इन्होंने, लेकिन जिसमें महिला उत्पीड़न का मामला आता है उसमें जो महिला आयोग है वो तो यह क्षेत्र या पार्टी को देखकर कार्रवाई करती है, तो संदेह तो होगा महिला आयोग। देखा ये भी जाता है कि मुद्दा कोई भी हो लेकिन आप जैसे लोग आ जाते हैं आलोचनाएं करने के लिए। मुद्दा कोई नहीं, ये मुद्दा आपको क्या लग रहा है, ये मामूली मुद्दा है, आप खुद बताइए। मैं इसी मुद्दे की बात नहीं कर रहा, विभिन्न मुद्दों की बात कर रहा हूँ जिस पर आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। मेरा मुद्दा ये है कि जो देश की नागरिक के हित के लिए जो मुद्दा होगा मैं उस मुद्दे की, मैं अन्याय के साथ कभी नहीं जाऊँगा, न्याय के साथ जाऊँगा। तो क्या लगता है इनके साथ न्याय होगा? आपको पता है जो विनेश फोगाट का जो आरोप है ना, पूरी दुनिया भारत के शर्मिंदा महसूस कर, पूरी दुनिया के न्यूज में क्या चल रहा है पता आपको? बोलिए। नारी की स्थिति क्या है उसको लेकर अखबारों, विदेश के अखबारों में छप रहे हैं कि जिस देश में देवी की पूजा की जाती है और उस देश में नारी सशक्तिकरण की बात की जाती हो और उस देश में नारी की स्थिति सबसे दयनीय हो, तो उस देश का क्या भला होगा, उस देश का क्या खेल में भला होगा, उस देश का क्या प्रशासन में भला होगा, उस देश का क्या शासनिक सेवा में भला होगा, वो देश कहाँ से लैंगिक समानता लाएगा? तो क्या लगता है जिस प्रकार से ये लोग कल से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं तो इनकी मांगे पूरी होंगी? देखो ये गुंगी बहरी सरकार है, हाँ यहाँ से 2 किलोमीटर पे संसद भवन है, हाँ अगर वहाँ तक आवाज नहीं पहुँच रही है और वो भी जो मेडलिस्ट है उनकी आवाज़ नहीं पहुँच रही है, तो आप लोग पत्रकार आप लोग खुद समझ जाइए कि हम लोगों की आवाज़ कैसे पहुँचेगी, देश की जनता की आवाज़ कैसे पहुँचेगी, आप लोग खुद समझिए देश की स्थिति क्या है, हालात क्या है, इससे स्थिति का पता चलता है सर, इससे स्थिति का। तो क्या लगता है जो आरोप दिए जा रहे हैं, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें एक तरफ बेबुनियाद बताया जा रहा है, दूसरी ओर आप जैसे लोग सही बता रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं इसका निष्कर्ष क्या निकलने वाला है? निष्कर्ष क्या निकलने वाला है, आप सरकार को बदल दीजिए, निष्कर्ष आपके सामने निकल के आ जाएगा। आप कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ निष्कर्ष वही है, तख्ता पलट कीजिए, हकीकत निकल के आ जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी के जितने हैं ना, जितने सदन के अंदर बैठे हैं, सब पे कहीं ना कहीं महिला छेड़खानी का आरोप लगा। लेकिन इन लोगों का कहना है कि हमें सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है, हमारा जो सरकार मानना है वो WFI से है। देखो वर्ल्ड फेडरेशन में जो बैठे हुए लोग हैं, हाँ। वो सरकार के नुमाइंदे ही तो बैठे हुए हैं। अच्छा। तो हर जगह आप बताए BCCI में उन्होंने अपने बंदे बिठा दिए हैं, ओलंपिक संघ में अपने बंदे बिठा दिए हैं, भारतीय खेल संघ में अपने बंदे बिठा दिए हैं, कहाँ है जो अपने बंदे नहीं बिठाए ये तो बताओ मुझे। हर जगह उनके मंत्री के सदस्य के कोई भी सखी संबंधी है वो है, या तो उनके रिश्तेदार बैठे हुए हैं, तो आप कहाँ से करें खेल संघ में वो लोग बैठे हुए हैं जो निष्पक्ष लोग हैं, न्यायालय तक भी निष्पक्ष लोग नहीं बैठे हुए हैं।